In this video, we'll start percentage. So, for this video, there's no new concept. You just have to apply your common sense. So, I'll directly start with the questions. First question is, a property dealer charges 2% commission from a buyer or a seller of a property. If Mr. Ramlal paid 20,000 as commission for purchasing a flat, what was the total cost of the flat? Your value of the flat. 2% कमीशन है. कमीशन क्या होता है? जैसे अगर हम कोई प्रॉपर्टी बिकवा रहे हैं, मेरे थ्रू अगर हम डील करवा रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी, सपोज यू वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी, तो हम बोल रहे हैं कि हम बेच देंगे उसको. हम जिससे, जिसको बेच रहे हैं, उससे हम एक्स्ट्रा रुपया ले रहे हैं, 2%, 3%, या समझ सकते हैं कि उसका, वो जो तुमको देने वाला, उससे हम रख ले रहे हैं एक्स्ट्रा 2%, 3%, क्योंकि वो मेरा कमीशन है. तो कमीशन 2% ऑलरेडी पता है और 20,000 उसका वैल्यू भी दे दिया. सो 2% ऑफ कितना चार्ज होगा? वो कमीशन किससे चार्ज करेगा? जो वैल्यू है फ्लैट का उससे. तो लेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट बी रुपीज एक्स. अब कमीशन इक्वल्स टू 2% ऑफ एक्स, बट ऑलरेडी हमको पता है कि उसको 20,000 कमीशन के फॉर्म में मिला है. तो यहाँ कमीशन के बदले हम 20,000 लिख सकते हैं, रुपीज़ लगाने का ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर 2% ऑफ एक्स के बदले 2% हटाने के लिए नीचे में 100, ऑफ के बदले इनटू और एक्स, ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्लास 5 में था. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा. तो 20,000 इंटू 100 बाई 2 इक्वल्स टू एक्स. सो एक्स इक्वल्स टू 10 लाख्स. देयरफोर वैल्यू ऑफ फ्लैट इक्वल्स टू रुपीज 10 लाख. तो ये सोचना है कि जब हमको टोटल वैल्यू नहीं पता होता है, तो हम लोग उसको एक्स लेते हैं. सपोज क्वेश्चन 3, अ पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ वॉल. If this is 48% of the total wall surface, what is the area of the wall? तुमको ये सोचना है, क्या ये 48% of 240 होगा? यहाँ पर 48% of क्या बोला है? Total wall surface. लेकिन ये तो total wall surface नहीं है, ये तो painter खाली उतना सा अभी तक paint किया है. तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग total wall surface को x लेंगे. So total wall surface equals to x. एरिया पेंटेड इक्वल्स टू 48% ऑफ एक्स. यही एरिया पेंटेड का वैल्यू भी दिया हुआ है कि 240 एरिया अभी तक पेंट हो चुका है. तो यहां पर 48 बाई 100 इंटू एक्स. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 इंटू 100 बाई 48 इक्वल्स टू एक्स. तो एक्स का वैल्यू यहां से आ जाएगा. फिर लिखना है देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आएगा स्क्वायर फीट, जो कि यूनिट है. तो हमेशा ये सोचना है कि एक्स, ये जो परसेंट दिया हुआ है, ये किससे कैलकुलेट होता है? हमेशा टोटल से. तो यू हैव टू थिंक वेदर यू नो द टोटल अमाउंट और वैल्यू और यूनिट और नॉट. जैसे इसमें टोटल सरफेस नहीं पता था तो एक्स लिए, इसमें टोटल या एक्चुअल फ्लैट का वैल्यू नहीं पता था तो एक्स लिए. बट अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ 3-star होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन. तो खाना का प्राइस पे वो 10% चार्ज करेगा. इफ हिज फैमिली हैड फूड फॉर रुपीज 685. तो यहां पर हम लोगों को फूड का टोटल कॉस्ट ऑलरेडी पता है कि 685 है. 10% किस पे चार्ज हो रहा था? खाना पे. और खाना का प्राइस इस बार हम लोगों को पता है, तो यहां एक्स लेने का कोई जरूरत नहीं है. तो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ फूड इक्वल्स टू रुपीज 685, सेल्स टैक्स इक्वल्स टू 10% ऑफ रुपीज 685. तो ये होगा 10/100 इंटू 685. 0-0 कट गया, इसको कट करने का जरूरत नहीं है. आई कैन राइट डायरेक्टली राइट 68.5. एक जीरो के बदले एक डेसिमल आ गया. तो जैसे टैक्स होता है ना, कि हम लोग टोटल पे करने के बाद ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वैसे ही अमाउंट ऑफ मनी
ही पेड फॉर फूड। तो जो खाना का बिल था एक्चुअली 685 वो तो पे करेगा, साथ में वो ये टैक्स भी भरेगा। तो इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है रुपीज 753.5। ये उसका एक्चुअली बिल हो गया। तो यहाँ पर एक्स लेने का जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि हम लोग को टोटल अमाउंट पता था, कि मतलब हम लोग को किस चीज पे परसेंट निकालना है वो अमाउंट पता था कि 685 पे परसेंट निकलेगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज इंक्रीज बाई 15%। तो एंड इफ इज न्यू सैलरी इज दिस, वॉट वॉज द इनिशियल सैलरी? सपोज तुम्हारा पॉकेट मनी 100 रुपया था, अब हम उसको 15% बढ़ा दिए, तो 15% ऑफ क्या होगा? तुम्हारा पुराना पॉकेट मनी। तो ये आएगा 15/100 × 100, मतलब ₹15। तो तुम्हारा न्यू पॉकेट मनी क्या होगा? पुराना पॉकेट मनी प्लस ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, तो 115 हो जाएगा। इसी तरह से इसका सैलरी 15% बढ़ा है, तो 15% ऑफ तो पुराना सैलरी होगा, वो हम लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए लेट द इनिशियल सैलरी बी रुपीज एक्स। तो सैलरी इंक्रीज इक्वल्स टू 15% ऑफ एक्स, तो 15/100 × x, ये 5 से कट के 3x/20। न्यू सैलरी दिया हुआ है ₹9,936। न्यू सैलरी को अगर हम लोग वेरिएबल्स के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा? पुराना सैलरी मतलब x प्लस जो नया बढ़ा है 3x/20। फिर क्या करेंगे? यहां रुपीज हटा देना जब इक्वेशन बन जाता है। तो फिर यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, 20 विल बी द एलसीएम। तो यहां 20x + 3x/20 = 9,936। तो ये 23x हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 ऊपर 23 नीचे। नाउ वी नो दैट 23 इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब ये डायरेक्टली डिवाइड होगा। तो ऐसे करके डिवाइड करना, फिर जो आंसर आएगा, एक्चुअली आंसर इज 432। तो 432 × 20 करेंगे 8,640। देयरफॉर हिज इनिशियल सैलरी इक्वल्स टू ₹8,640। तो इस पूरे वर्कशीट में तुमको ये समझना कि कहाँ एक्स लेना है और कहाँ नहीं लेना है। हमेशा ये सोचना जिस चीज के ऊपर परसेंट कैलकुलेट करेंगे वो परसेंट वो चीज पता है या नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ को एडुकेशनल स्कूल 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इफ देर आर 440 बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 45% ऑफ क्या है? टोटल स्टूडेंट्स है, और टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता, तो इसका मतलब हम लोग को एक्स लेना होगा। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एक्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 45%। देखो यहां परसेंट गर्ल्स का दिया है लेकिन नंबर बॉयज का दिया है, तो हम लोग परसेंटेज ऑफ बॉयज इजीली निकाल सकते हैं। टोटल परसेंट 100 होता है, तो 100 - 45 55%। अब है कि नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? परसेंट 55 है, तो 55% ऑफ एक्स टोटल स्टूडेंट्स ही कैलकुलेट करेंगे। ये नंबर हम लोगों को ऑलरेडी पता है 440 है, दिया हुआ है। यहाँ 55% हटाने के लिए 100 × x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, तो वही टोटल स्टूडेंट्स है। फिर अ पोटैटो सेलर सेल्स 70% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एंड स्टिल हैज 150 kg पोटैटोज लेफ्ट, फाइंड द वेट ऑफ द पोटैटोज ही हैड ओरिजिनली। तो टोटल पोटैटोज से ही कैलकुलेट होगा सब कुछ, और टोटल पोटैटोज ही नहीं पता,
तो टोटल पोटैटोज भी है। इस पर फिर क्या हो रहा है कि वो 70% सेल्स 70%, तो लेफ्ट कितना होगा 100 माइनस 70, 30%। बट यहां पर ऑलरेडी लेफ्ट का हम लोगों को क्वांटिटी पता है, तो क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज लेफ्ट इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स, यहां पर क्वांटिटी लेफ्ट के बदले लिख देंगे 150 इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोहन्स बर्थडे पार्टी 90% ऑफ हिज फ्रेंड्स केम एंड 3 फ्रेंड्स डिड नॉट कम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो 90% अगर आया तो कितना परसेंट नहीं आया, 100 माइनस 90, तो हम लोगों को नहीं आने वाले फ्रेंड्स का परसेंट भी पता है 10% और नंबर भी पता है 3, तो यही सब फॉर्म में होगा। सिमिलरली यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 5 वेर एबसेंट, 30% ऑफ द रिमेनिंग हैड फेल्ड टू कंप्लीट द होमवर्क, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड द होमवर्क। तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 45, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40। अब होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड टू डू द होमवर्क। देखो इसमें हम लोगों को एक्स नहीं लेना है, क्योंकि परसेंट हम लोग को टोटल बच्चों से निकालना है और टोटल स्टूडेंट्स तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है एबसेंट वालों को हटाकर 40 है, तो इस बार एक्स लेने का कोई काम नहीं है। यहाँ बोला है 30% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो 30% जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से 30% होमवर्क नहीं किया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डू द होमवर्क इक्वल्स टू 30% ऑफ 40, तो 30/100 × 40, ये 0 0 ऐसे ही कट गया, तो 12 होमवर्क नहीं किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड द होमवर्क, 40 प्रेजेंट था जिसमें से 12 नहीं किया, तो बचा हुआ 28 स्टूडेंट्स होमवर्क करके आया था, ऐसे करना है।